के हैं इस पूरे मसले पर डिस्कशन करने के लिए। सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। विजय कौशिक जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ AKU श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त वाजपेयी जी भी नजर आ रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनुराग भदौरिया आपसे कर रही हूं। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा कल, सूत्र बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 6 से 7 फेजेस में होंगे चुनाव। देश की जनता बस चुनाव की तारीख का इंतजार ही तो कर रही है। जो दर्द भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक देश की जनता को दिया है, चाहे किसी वर्ग की हमारे देश के लोग रहे हैं, चाहे वो किसान रहे हों, चाहे छात्र रहे हों, चाहे युवा रहे हों, चाहे शिक्षक रहे हों, चाहे डॉक्टर रहे हों, चाहे पत्रकार रहे हों, चाहे किसी तरह के भी लोग रहे हों, चाहे नेता राजनीतिक दल लोग रहे हों, सबको कष्ट दिया है। अब वो इंतजार इसी बात को कर रहा है ना कि कैसे चुनाव की तारीख ऐलान होगा, और उसी समय जिस दिन तारीख ऐलान होगा समझो उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की हारने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जनता ही है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएगी इस बार। और हमारा जो इंडिया गठबंधन है सीधा जनता के साथ जनता है, और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो नेताओं के साथ है। फर्क कितना है, आप यहाँ उम्मीद जनता से लगाए बैठे हैं, वहाँ श्रीवास्तव जी उम्मीद जनता से लगाए बैठे हुए हैं। श्रीवास्तव जी एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं अनुराग भदौरिया का, कह रहे हैं हम तो इसी का इंतजार कर रहे थे, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन आ गई तारीख। श्रीवास्तव जी शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। सुजाता पांडे मैं पहला रिएक्शन आपसे ले लेती हूँ और उसके बाद बाकी सारे मेहमानों के पास जाऊंगी। अनुराग भदौरिया से ये पूछे कि क्या सीट शेयरिंग फाइनल हो गया, क्योंकि अभी तक तो वही पूरी उस पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और ये कह रहे हैं कि जनता वेट कर रही है कि किस तरह से वोट काउंट करे मोदी सरकार को और योगी सरकार को, पर आपका ओपिनियन पोल तो बिल्कुल उल्टा दिखा रहा है रूबिका लियाकत जी। तो आज ये पहले डिसाइड हो जाए कि जनता जो कह रही है, जो अपने ओपिनियन पोल में बता रही है, वो सच है या फिर ये AC कमरे पर बैठ के राजनीति बनाने वाले कुछ प्रवक्ता की जो अपनी निजी राय है, क्योंकि जमीन पर तो कुछ दिख नहीं। क्या नीति है, क्या नीयत है, क्या क्या प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, अगर आपका चेहरा कौन है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, क्या आपकी पॉलिसीज क्या है, आपका आगे का 10 साल का ब्लूप्रिंट क्या है, क्योंकि आज का भारत जो है वो पिछले 50 साल पहले वाला भारत नहीं है कि किसी के अच्छा इनके इनके पिताजी बहुत बड़े नेता थे। तो धूप में बैठे हैं कहीं अनुराग जी, मैं आप तो ऐसा बोल रहे जैसे लगता है आप कड़ी धूप में बैठी हैं और चारों तरफ गर्मी है, उसमें बीच में आप बोल रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, मतलब अगर बीजेपी की सपोर्ट करना कीजिए आप, लेकिन कुछ ही मत बोल दीजिए ना, ऐसा लग रहा है जैसे अच्छा आप कहाँ धूप में बैठे क्या, आप बताइए आप कहाँ बैठे, धूप में बैठे क्या, चारों तरफ गर्मी है, लग रहा है धूप है, हाँ देखिए देखिए, हाँ धूप है, बहुत तेज धूप है, उनको चुनाव थोड़ी लड़ना है, वो तो राजनीतिक विश्लेषक है, वो जो आप काम करेंगे उसका विश्लेषण करेंगे। कमरा और धूप ये सुनी सुनाई बात है, आपको थोड़ी लड़ना चाहिए ये बात। सुजाता जी एक सेकंड, ये जो हरा कुर्ता पहना है ना अनुराग जी के लिए मैं बता दूं, ज्यादातर आपको ये शख्स जो है वहाँ खेतों में मिल जाएंगे, एक लीग बाकायदा क्रिकेट लीग करवाते हैं गाँव गाँव में जाकर, ये जो हरा कुर्ता पहनते हैं वो इसीलिए पहनते हैं हाँ कैमरे के साथ, और वो बिल्कुल बकायदा स्लो मोशन में भी जाता है, मैंने देखा है इनकी जो ये जो नई गांव की तकनीक है ना, जहाँ पे कैमरा फॉलो करता है, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि वो गेहूं की रोपनी देखने गए थे किस तरह से गेहूं की रोपनी होती है, 50 साल इस पूरे देश में 54 साल राज किया है और जाके कैमरे पर किसी एक का हक थोड़ी है। अनुराग भदौरिया जा रहे हैं तो जब है तो कैमरा जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है, सबको नहीं तो जब कहिए कि सब कुछ स्टेट सेट है, तब ये मत बोलिए कि हम गांव से आते हैं और हमारा दिल जो है गांव का है, तब कहिए कि भाई जैसे जैसे वो कर रहे हैं वैसे हम भी करें, तो अच्छा ठीक है, लेकिन चुनावों की तारीख आ गई है भाई, हीरो वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नाम भी आपका अनूठा है हीरो वाजपेयी जी, हाँ
तो ये हीरो जो है वो बीजेपी को हीरो बनाने वाला है कि नहीं? जी ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास इसमें विश्व में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित, सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा विश्वासमंद नेतृत्व है। एक ऐसी पार्टी है जो गांव गांव गली गली तक है, जिसका नजरिया, पहुंच, कार्यकर्ता, कैडर, और दूसरे हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम, जनता से सीधा जुड़ाव। मुझे लगता है कि जो आपका सर्वे बता रहा है, हम लोग तो 400 पार जा रहे थे, आपने वो संख्या भी इंगित कर दी है, 411। और भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं कि मैथोलॉजी हिंदू से प्रभावित रहती है, तो 411 शुभ संख्या है भारतीय जनता पार्टी की। मुझे लगता है अनुराग जी को इससे बड़ी दिक्कतें आने वाली है। ये किसी व्यक्ति का सर्वे है, कहां उस पे यकीन कर रहे हैं आप? जनता का जनता तो अभी आएगा चुनाव, तो आप अनुराग जी कई बार धोखा खा चुके हैं। वो तो उन्होंने बोला 400 और सर्वे वाले ने दिखा दिया 411। कई बार से इसके मतलब सोचिए, क्रोनोलॉजी समझिए आपको। सर्वे करने वाले का क्रोनोलॉजी समझिए, बीजेपी ने कहा 400 उसने कह दिया 411। मेरी बात सुनिए, आप दोनों सुनिए, हीरो वाजपेयी अनुराग जी, दोनों से रिक्वेस्ट है, वो जनता ना समझ नहीं पाती है, वो तू तू मैं होकर रह जाता है, सुनने में कुछ नहीं आता है। आप दोनों को मैं आप दोनों को मौका दूंगी, दोनों को वक्त दिया जाएगा। बोल पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक एक करके बोलिएगा ना। अनुराग जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया, भतेरा टाइम मिला आपको, जिसे कहते हैं बात रखने का। आप जरा एक बार हीरो वाजपेयी जी को बोल देने दीजिए, उसके बाद यहाँ मेरे साथी भी मौजूद हैं और कौशिक जी भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हीरो वाजपेयी, आप कह रहे हैं 411 जी, तो मैं मानता हूं कि एक शुभ संख्या अगर चैनल ने दिखाया है, सर्वे किया है, लोगों तक पहुंचे, जो भी एजेंसी गई हो, मूड भांपने का माहौल लोगों को दिख रहा है, एक विश्वासमंद नेतृत्व है। अभी तक जो ये इंडी गठबंधन है, इंडी अलायंस, इसका चेहरा ही नहीं पता, तो लोग किसके आधार पर जाएंगे, किस पर विश्वास करेंगे? और बिना लीडर के कोई टीम नहीं चलती। मुझे लगता है छोटे जो अनुराग जी को क्रिकेट लीग नहीं कराते, इन्हें पता है कप्तान उसमें भी चुनना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि जब खेलने जाएंगे तब टीम का कप्तान बता देंगे। आप ये कह रहे हैं कि पहले चेहरा बताइए उसके बाद चुनाव में जाइए, लेकिन वो लोग तय कर चुके हैं। बिल्कुल ना कोई घोषणा पत्र है, ना चेहरा है, ना नीति हुआ था। विजय कौशिक जी, लॉर्ड के मामला उसी पर आ गया कि तारीखों का ऐलान हुआ, आप तस्वीर बताइए, चेहरा बताइए। जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वर्तमान में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कुर्सी फोबिया का शिकार हैं। इसके चलते देश भारी कर्जे में डूबता जा रहा है, बेरोजगारी के कारण हाल खराब है, और तमाम तरह की समस्याएं, चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है, और इतनी समस्याएं इस देश के अंदर माननीय मोदी जी की नीतियों ने पैदा कर दी हैं। तो चंद लोग ही खुशहाली का जीवन जी रहे हैं, चाहे वो अडानी है, अंबानी है, या दूसरे लोग हैं। बाकी ज़्यादातर लोगों की हालत ख़राब है, कुछ सरकार मानती है कि 81 करोड़ लोग, इनके 5 किलो यहाँ पर जिंदा हैं। ये तो विकास का मॉडल है, ये स्मार्ट सिटी में तो ये जो